बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बड़ी स्पेशल बलोची हांडी बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको मैंने एक दफ़ा धो के फिर सिरका लगा के उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर उसको पानी से धो के अच्छी तरह तो खुशक कर लिया है। इसको अब हम घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये बड़ी मज़े की कढ़ाई बनती है। जब आप बनाएंगे तो आप होटलों का रुख करना छोड़ देंगे और दुआएं देंगे मुझे कि आपने एक अच्छी रेसिपी दी है हमें। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2 पोथी होगा लहसुन। कुकिंग ऑयल डाल के मैंने उसको इसको ग्राइंड किया था, इसलिए ये पेस्ट की शक्ल नज़र आ रही है आपको। देसी लहसुन है और क्या गजब की खुशबू आई है माशाल्लाह। इसको डालते ही इसके साथ हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे हमारा लहसुन भी गोल्डन हो जाएगा और इसकी अपनी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। देख रहे हैं आप, हमारा चिकन भी हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो चुका है। साथ साथ अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मिर्चें मेरे पास बड़ी बड़ी लाल हो चुकी थी, वो डाल ली है मैंने। तकरीबन 5 अदद वो है और 5 अदद ही या 6 अदद कह सकते हैं आप, जो मैंने काटी हैं स्लाइस में वो है हमारे पास मिर्चें। इनको अब मैं 4-5 मिनट अच्छी तरह इसके साथ फ्राई करूँगी। पांच अदर टमाटर लेके उनकी मैंने फ्यूरी बना ली है, पानी डाल के थोड़ा सा। इसको हम पकाएंगे तेज आंच पर ही। टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला है और 1.5 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है और 1 चम्मच कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो इसका बहुत लाजमी जूस है। इन सबको अब हम भूनेंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर उसका आया है। लेकिन अभी यहाँ पर एंड नहीं है, इसमें अभी हमने और चीज़ें शामिल करनी हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे, फिर अगली चीज़ दिखाते हैं आपको हम क्या शामिल करते हैं। हमारे मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गया। मैं इसमें 1/2 प्याली यानी 1 प्याली जो है ना वो दही की शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/2 किलो दही थी इसमें से, यानी 1 पाव समझिए आप, इसमें 1 किलो में 1 पाव दही चली गई है। अच्छी तरह हम हिलाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें अगली चीज़ शामिल करेंगे और उसी से हमारी ख़ास लुक आएगी। इसको अब मैं थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि हमारा चिकन अंदर तक गल जाए अच्छी तरह से। थोड़ा सा चूल्हा कम करूंगी।
पाँच मिनट के लिए ढक देंगे, पाँच मिनट के बाद देखते हैं इसकी शक्ल कैसी होती है। दही का पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट डालूंगी, क्रीम। अगर आपके पास 500 ग्राम होगा चिकन तो आप उसमें ये 250 ग्राम का एक डिब्बा आप इसमें शामिल कर देंगे। आपके घर जो दूध आता है उसको भी जब बॉईल करके रखते हैं तो उसके ऊपर भी जो क्रीम आती है आप उसको भी, उस बलाई को भी उतार के अच्छी तरह फेंट के उसको भी शामिल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मेरे पास 1 किलो चिकन है इसलिए इसमें मैं 2 पैकेट क्रीम के शामिल करूंगी। ये बहुत क्रीमी और बहुत मज़े की बहुत रिच डिश है, लेकिन बहुत आसान कढ़ाई है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की बनती है। और लोग ऐसे ही इसके दीवाने नहीं हैं, बड़े बड़े होटलों पर जाते हैं ये खाने के लिए। माशाल्लाह, बकरा ईद है उस पर आप ये बनाएं साइड डिश। जो लोग बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त नहीं खाते, मटन या बीफ ना खाएं, तो उनके लिए चिकन की ये डिश बहुत मज़े की है। 5 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। आइए जी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत के कितना अच्छा कलर दिया अल्लाह ने इसको, और खुशबू बहुत मज़े की है। लीजिए जी हमारी ये बलोची हांडी या बलोची कढ़ाई आप कह सकते हैं इसको, ये बन के तैयार है। इस पर अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। वाह वाह वाह, क्या शक्ल निकली है इसकी, माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़े की होगी। ज़रूर बनाएं, खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और बताइएगा मुझे प्लीज़, ये जो घूंगे का गुड़ खाया हुआ आप लोगों ने, इसको मुँह से निकाल दें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपको कैसी लगी है। इसके साथ ही अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जब सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहली वीडियो जो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसलिए जहाँ तक हो सके मेरी वीडियो को वायरल करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल ईद का दिन है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर बनाएंगे ईद पर इसको। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।